वॉल्यूशन को। सबसे पहले सीमन, सीमन क्या है हमें पता है, दैट इज अ बॉडी फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड सेमिनल प्लाज्मा। दो चीजें हैं, एक सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म। बुल्क सीमन में स्पर्मेटोजोआ 10% होते हैं और सेमिनल प्लाज्मा 90% होती है। सेमिनल प्लाज्मा कैसे बनती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द सीक्रीशंस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं बेटा, वो इसको बनाती हैं, एपिडिडाइमस और मेल एसेसरी ग्लैंड्स। और स्पर्म जो हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं टेस्टिकल्स के अंदर। समझ रहे हैं? तो प्लाज्मा को कौन बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमस और मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जबकि स्पर्म जो हैं वो बनते हैं टेस्टिकल्स के अंदर। द क्वेश्चन इज व्हाई वी एवैल्यूएट सीमन, हम सीमन को एवैल्यूएट क्यों करते हैं। द आंसर इज दिस, सीमन इज रूटीनली एवैल्यूएटेड फॉर द पर्पस ऑफ वेदर द सीमन इज सेटिस्फैक्ट्री, कि जो सीमन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है, या काम की है या काम की नहीं, फॉर द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर नॉट। तो हम सीमन को एवेल्यूएट करते हैं या तो फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर अच्छी है तो आगे हम उसको जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए उसके स्ट्रॉस बनाकर उसको यूज करेंगे, अगर ठीक नहीं है तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। या रिसर्च पर्पसेस के लिए भी सीमन को हम एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, सीमन एवोल्यूशन के अंदर रूटीन एग्जामिनेशन आ जाता है, जिसमें क्या देखते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन, उसमें हम वॉल्यूम देखते हैं, कलर, कंसिस्टेंसी, मास, मोर्टिलिटी, इंडिविजुअल मोर्टिलिटी एंड कंसंट्रेशन। उसके अलावा पैराडिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द लाइव एंड डेड स्पर्म, देखते हैं कि जिंदा स्पर्म कितने हैं और मरे हुए स्पर्म कितने हैं। ठीक है, एज वेल एज स्पर्म एबनॉर्मलिटी जो है, यानी एबनॉर्मल स्पर्म जो है उनकी परसेंटेज कितनी है, यह भी हम देखते हैं सीमन एवोल्यूशन के अंदर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ सीमन कलेक्टिंग ट्यूब, दैट इज ये वाली ट्यूब होती है बेटा, व्हिच इज अटैच्ड टू द एवी गन, जो कि आर्टिफिशियल वजाइना के साथ अटैच होती है, और उसमें जो है वो अपना पैरामीटर्स लगे होते हैं, या जैसे कि स्केल बनी होती है उसमें, जिसके जरिए हम मेजर करते हैं कि वॉल्यूम कितना है। द वॉल्यूम ऑफ द सीमन इंक्रीजेस विद द एज, सीमन का वॉल्यूम उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन याद रखें सीमन का वॉल्यूम बढ़ता है बट नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ द सीमन, यानी सीमन के अंदर जो स्पर्म की तादाद है वो उम्र के बढ़ने से बढ़ती नहीं, वो कम होती है, वो घटती है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। ओके, बुल के अंदर पांच, नॉर्मली 5 to 8 ml सीमन मिलता है हमें, ऑस्ट्रेलियन में 100 ml, और बोर के अंदर 200 से लेकर 250 ml तक सीमन जो है उसके सिंगल इजेक्यूलेट में प्रोड्यूस होती है। ओके, देन कलर, द कलर अदर देन नॉर्मल गिव्स द इंडिकेशन ऑफ पैथोलॉजी, अगर कलर नॉर्मल से हट कर है तो वो क्या है बेटा, वो डिजीज्ड है, हम कहेंगे कि देयर इज एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। मसलन अगर येलो कलर है, अगर आपने अपनी सीमन की, मसलन ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर जो है वो सोयल गया, आपने सीमन को इसने एग्जामिन करवाया और अगर उसमें सीमन का कलर येलो नजर आया, तो जो प्रैक्टिशनर होगा, जो पैथोलॉजिस्ट होगा, वो इनको कहेगा कि भाई आपकी सीमन के अंदर पस और यूरिन जो है वो है। ठीक है बेटा, तो येलोइश सीमन इज, लेकिन याद रखें कि कभी कभार येलोइश सीमन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द सम काउ बुल्स, यानी जो काउ के बुल्स होते हैं बेटा उनमें भी येलो सीमन प्रोड्यूस होती है, और वजह क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन पिगमेंट है ना बेटा, विटामिन, तो उसकी वजह से उनका, उनकी सीमन का कलर येलो नजर आ सकता है। ठीक है, बट याद रखें बुल की सीमन का कलर येलो नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो येलो सीमन होगी तो वो इंडिकेट करेगी कि देयर इज यूरिन कंटामिनेशन। ठीक है, यानी उस स्पर्म के, उस सीमन के अंदर यूरिन की कंटामिनेशन है, एंड मस्ट रिमेंबर
जो यूरिन होता है दैट इज टॉक्सिक फॉर व्हाट स्पर्म, यूरिन जो है वो टॉक्सिक है स्पर्म के लिए, ठीक है। अगर पिंक और रेडिश कलर हो तो इसका मतलब देयर इज एडमिक्सचर ऑफ द ब्लड, यानी रेड कलर इंडिकेट करता है कि सीमन के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो मौजूद है, यानी दैट इज ऑल्सो नॉट द गुड, वो भी अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं, ठीक है। डीप रेड हो तो वो इंडिकेट करता है कि देयर इज डीजनरेशन ऑफ द ब्लड टिश्यूज, और ग्रीनिश कलर हो तो वो इंडिकेट करता है पुरुलेंट डीजनरेशन, यानी कि आप हो सकता है वो जो सीमन होगी उसमें और भी ज्यादा बदबू भी मिलेगी आपको और उसमें और ज्यादा कंटामिनेशन मिलेगी ग्रीन कलर में, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ये क्या होती है? कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म कितने हैं, स्पर्म की कंसंट्रेशन कितनी है सीमन के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। ओके गुड। एन एजेक्युलेट हैविंग वाटरी और थिनी और थिन मिल्की स्टेट विल हैव लो स्पर्म कंसंट्रेशन, यानी वो एजेक्युलेट, वो अंजाल, यानी वो मसलन एक अंजाल, समझ रहे हैं ना बेटा, ये बात समझ रहे हैं? वैसे एजेक्युलेट किसे कह रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एजेक्युलेट यानी कि जो एक अंजाल होता है वंश, उसमें अगर वो वाटरी हो या थिन मिल्की हो तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पर स्पर्म जो है वो कम है। इज इट ओके? क्रीमी हो और मिल्की, क्रीमी और मिल्की, तो उसका मतलब है उसमें स्पर्म की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, दिस इज द रेंज कलर। अगर थिक क्रीमी होगा तो उसमें कितने स्पर्म होंगे? 4 to 6 billion। क्रीमी होगा तो 3 to this। अगर वाटरी, बिल्कुल वाटरी होगा तो समझिए उसमें स्पर्म है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट स्पर्म्स। रूटीन एग्जामिनेशन में आप पीएच को भी देखते हैं बेटा। पीएच ऑफ द सीमन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिजिटल पीएच मीटर। ये कैसे मालूम होती है? डिजिटल पीएच मीटर को यूज करके हम मेजर करते हैं। पीएच ऑफ बुल सीमन इज 6.5 to 6.9। समझ रहे हैं बेटा? ये क्वेश्चन कमीशन में बेटा आ चुका है कि सीमन की पीएच क्या है। वहां पर यह दिया गया था कि स्लाइटली एसिडिक टू अल्कलाइन, एसिडिक और अल्कलाइन, ये ऑप्शंस थे। तो आप पीएच को नोट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि सीमन की पीएच क्या है, कि ये एसिडिक है, ये अल्कलाइन है, या ये स्लाइटली एसिडिक टू अल्कलाइन है। अक्सर समझी थी पुत्र, ठीक है। सीमन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचुरल कंडीशंस। मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कंसंट्रेशन, दिस इज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ पर एमएल, यानी जो सीमन का एक एमएल होता है उसमें स्पर्म की कंसंट्रेशन शाह साहब कितनी है, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ओके, इट इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर, वो आपका देखा हुआ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम हीमोसाइटोमीटर की मदद से मेजर करते हैं, और कंसंट्रेशन हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ पर एमएल। वेव मोशन, दिस वन ये आपने प्रैक्टिकल हमने किया था उसमें देखा होगा बेटा, ये वाला मोशन। वेव मोशन इज असेस्ड, कैसे असेस करते हैं बेटा? स्लाइड बनाते हैं क्लीन वार्म ड्राई स्लाइड बाय पुटिंग अ फ्रेश ड्रॉप ऑफ अनडाइल्यूटेड सीमन, यानी अनडाइल्यूटेड सीमन का एक फ्रेश कतरा। मसलन आप ह्यूमन बींग्स की ही सीमन का ले लें, उसका फ्रेश सीमन ले, उसको डायल्यूट ना करें, उसका एक कतरा लेकर स्लाइड पर रख दें अंडर 10x, तो आपको ये वेव मोशन जो है वो नजर आएगा। ओके, लाइकवाइज हम एनिमल्स की सीमन भी इसी तरह एनालाइज करते हैं वेव मोशन देखने के लिए। फिर मोर्टलिटी, मोर्टलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फर्टाइल स्पर्मेटोजोआ। मसलन अगर आप ह्यूमन की भी सीमन एवोल्यूशन करवा रहे हैं, जैसा कि आगा खान वाले करते हैं या कुछ जनरल लेबोरेटरीज भी करती हैं, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फर्टाइल स्पर्मेटोजोआ। उससे आपको पता चलता है कि आपके स्पर्म जो है, या आई मीन जानवर के स्पर्म कितने जो है वो फर्टाइल
है या नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकल भी किया था, कैसे करते हैं। एक ड्रॉप आपने डाइल्यूटेड सीमन का उठाया, यानी वो जो सीमन हमने स्ट्रा से ली थी, जो हमने किया था प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे वाली जो सीमन थी वो हमने लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर से निकाली थी, एंड दैट वाज डाइल्यूटेड सीमन। उसका हमने एक कतरा लिया बेटा, उसको स्लाइड पर रखा था अगर याद है तो, फिर उसको कवर स्लिप के साथ कवर किया था, एंड देन मोर्टेलिटी वाज असेस्ड अंडर लो मैग्निफिकेशन, दैट इज 20x। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमने किया हुआ है। फॉर मोर्टेलिटी परसेंटेज एट लीस्ट 100 स्पर्मेटोजोआ को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं रेंडमली मूविंग इन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ यूं बढ़ रहे हैं, एंड एक्सक्लूड दोज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर इन सर्किल, फिर उनको वहां से एक्सक्लूड करते हैं या निकालते हैं, यानी वो किसी काम के नहीं जो या तो गोल यूं चक्कर लगा रहे हो या तो पीछे की तरफ भाग रहे हो, यानी जो आगे की तरफ जाएंगे वो काम के, जो पीछे जाएंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। और सर्किल द सैंपल हैविंग मोर देन 70% मोर्टेलिटी, जिन सैंपल में मोर देन 70% मोटाइल होगी, यानी वो स्पर्म जो आगे की तरफ जाएंगे, सर्कुलर मोशन नहीं, यूं गोल गोल नहीं घूमेंगे और बैकवर्ड नहीं जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि अगर 70% मोटाइल हैं तो उस सीमन को हम फर्दर एवोल्यूशन उसकी करेंगे, अगर 70% से कम मोटाइल है तो हम उस सीमन को वहीं पर ही डिस्कार्ड कर देंगे, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। इज इट ओके? स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कैसे बेटा हम असेस करते हैं। फ्रेश सीमन का आपने ड्रॉप लिया, उसको मिक्स करते हैं विद 2-3 ड्रॉप ऑफ स्टेन सॉल्यूशन, वो जो पड़ी हुई है कौन सी स्टेन होती है, इओसिन निग्रोसिन स्टेन या जिम्सा, तो उसके हम 2-3 कतरे लेते हैं और प्रीवार्म स्लाइड पर उनको मिक्स करते हैं। अ थिन स्मीयर इज मेड विद अदर प्रीवार्म स्लाइड आफ्टर इनक्यूबेशन टाइम ऑफ 3 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस, फिर उनको उसको उसी स्लाइड को हम इनक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट के लिए। देन एक्सेसिव स्ट्रेन जो होती है दैट इज वॉश्ड विद वाटर, वही प्रोसेस जो आप बैक्टीरियोलॉजी लैब में करते हैं, देन एक्सेसिव स्ट्रेन उसको हम पानी के साथ वॉश करते हैं टैप वाटर के साथ, एंड देन इमर्स्ड इन इथेनॉल, फिर इथेनॉल में उसको इमर्स करते हैं, डिप करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द वाटर, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो उसको हम रिमूव कर सकें। आपसे पूछूंगा एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव क्यों करते हैं, उसको रहने दें क्यों, उसके रिमूव क्यों करते हैं उसको जी, ये उस एक्स्ट्रा वाटर को इसलिए रिमूव करते हैं बिकॉज दैट इज हार्मफुल फॉर द स्पर्म, ठीक है बेटा, वो स्पर्म के लिए अच्छा नहीं है। देन ड्राइड फिल्म इज एग्जामाइंड, फिर उसको एग्जामाइन करते हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स, 100 स्पर्मेटोजोआ को काउंट करते हैं और स्कोर करते हैं एज अ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, ठीक है बेटा। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको चीजें दिखाई थी जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, इंशाल्लाह आगे चलकर भी यही चीजें आप रिपीट करेंगे। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, फिर ये मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी है, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज डिटरमाइन फ्रॉम हाइपोऑस्मोटिक टेस्ट मेथड ऑफ फ्रेश सैंपल, यानी होस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं उसके साथ इसको बेटा जो है वो डिटरमाइन करते हैं। 1 ml जो है हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन का, हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होती है, ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है और डिस्टिल वाटर होता है, तो 1 ml हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन का उसको हम ऐड करते हैं 100 माइक्रोलीटर ऑफ द सीमन के अंदर, किसके लिए, पर्पस क्या होता है, टू असेस द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी परसेंटेज आफ्टर इंक्यूबेशन टाइम ऑफ 1 आवर, उसके बाद 1 घंटा हम उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, 15 माइक्रोलीटर ऑफ द सीमन विल बी प्लेस्ड, फिर वहां से 15 माइक्रोलीटर सीमन यानी जो हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स की हुई है 15 माइक्रोलीटर सीमन हम लेते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं कवर स्लिप के साथ, उसको कवर करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप पर अंडर 40x पर हम देखते हैं, ठीक है। इफ द स्पर्मेटोजोआ आर स्वेलिंग, अगर स्पर्मेटोजोआ स्वेल कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू द टेस्ट सॉल्यूशन दे विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल सेल, यानी फिर हम देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप में
हमें स्पर्म के अंदर स्वेलिंग नजर आ रही है, तो उन स्पर्म्स को हम कंसिडर करेंगे क्या कि वो नॉर्मल हैं। 100 स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम 4 माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स आर काउंटेड एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो सो दिस इज हाउ द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी टेस्ट इज डन। ओके, तो यही था। थैंक यू।